तो अब हम स्टार्ट करते हैं जेंकिंस को सेटअप करना, कि जेंकिंस को सेटअप कैसे करना है। मेरे पास दो मेथड्स है जेंकिंस को सेटअप करने की। जेंकिंस सेटअप करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ बिग थिंग। असल जो चीज है वो है यूज करना। तो मेरे पास दो मेथड्स या दो वेज अवेलेबल हैं कि मैं उनको यूज कर सकता हूँ। एक तो ये कि मैं इसको अपने लैपटॉप टर्मिनल के ऊपर लोकल एनवायरनमेंट में इसको सेटअप करूँ और फिर एक्सेस कर लूँ। दूसरा मेथड ये कि मैं इसको डॉकर के ऊपर सेटअप करूँ और आपको दिखा सकूं कि हम लोगों ने लिनक्स भी पढ़ी है, हमने डॉकर भी पढ़ा है, तो लेकिन डॉकर को भूलना नहीं है, इसलिए मैं उसको यूज करूंगा जेंकिंस के लिए भी। और तीसरा मेथड है कि मैं किसी क्लाउड पे जाके सिंपल सर्वर ऑन करके भी कर लूं। तो जहां तक कि मेरा लैपटॉप सपोर्ट करेगा मैं उसको यूज करूंगा, तो वैसे हम क्लाउड पे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। सेम टर्मिनल है, सेम स्क्रीन है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मेरे डेस्कटॉप में मैंने आप लोग का एक फोल्डर भी बनाया था, डेवऑप्स बैच 06। इसके अंदर जाते हैं, इसी के अंदर मैंने आप लोग की ये डॉकर फाइल्स और काफी सारी चीजें पढ़ी। यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं जेंकिंस के नाम से और जेंकिंस इसमें जाके सेटअप करते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने डॉकर को छोड़ना नहीं है, डॉकर को यूज करना है ताकि आप लोगों को डॉकर भूले ना। तो पहले ये करते हैं, EC2 इंस्टेंस एक AWS के ऊपर जो है वो बना रहा हूँ, जो कि जिसको मैं सेटअप करूंगा, जिसके ऊपर डॉकर सेटअप करूंगा, फिर उसके ऊपर फिर मैं जेंकिंस सेटअप करूंगा। तो मैं इस मशीन को एक्सेस करता हूँ अपने पास टर्मिनल पे, और सबसे पहले इस टर्मिनल को बंद कर देते हैं, और इसके बाद जहां पर मेरी की पड़ी हुई है वहां से मैं इस टर्मिनल को ओपन करके फिर इसकी इसके साथ इस सर्वर को कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया, मैंने इसकी जहां पर की पड़ी थी उस लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। तो मुझे सिंपल यहाँ पर ये की पड़ी हुई है, इस की के साथ मैंने इसको एक्सेस करना है SSH पर, सूडो से करते हैं सूडो SSH -i mywordpress जो भी नाम है की का @ पब्लिक आईपी ऑफ माय मशीन। और अगेन परमिशन डिनाइड आया। अच्छा हाँ, मुझे याद है मैंने कल कहीं और रखी थी, याद आया कल एक टेम्पलेट का डायरेक्टरी थी उसके अंदर मैंने रखी थी की, ये हमने इस की के साथ करना। तो मैं इसको दोबारा यही कमांड एंटर करता हूँ, सॉरी पीपी के से नहीं करना, PEM से करना है, तो ये मसला इसको फाइल नहीं, अब चल जाएगा। अब मैं सर्वर के अंदर आ गया हूँ, इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है 9241, आप ये देख सकते हैं 9241 इसका प्राइवेट आईपी, और ये चीज सेटअप हो गई। अब जल्दी से मैं इसके ऊपर डॉकर सेटअप करना, तो गेट डॉट डॉकर डॉट कॉम सी वेबसाइट आपको बताया था मैंने, लेकिन एक पहले काम कर देते हैं सूडो करके इसको एप्ट अपडेट कर लेते हैं, जल्दी से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे और उसके बाद स्क्रिप्ट से जो है वो हमारे लिए सारा कुछ खुद से सेटअप कर देगा। अब मैं ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करता हूँ, इसके बाद स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है और ये आप लोग भी यूज़ कर लेंगे जब जल्दी जल्दी जेंकिंस सॉरी डॉकर सेटअप करना हो ना, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। अच्छा अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर हम हमारा ये डॉकर सेटअप होगा, तो फिर उसके बाद हम लोग डॉकर कंपोज इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वही स्क्रिप्ट यूज करके तो जेंकिंस सेटअप कर लेंगे। जस्ट वेट करते हैं 2-3 मिनट और। अच्छा मीनवाइल एक चले वो एरर आने दें, वो एक एरर आएगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी नहीं थोड़ा आगे जाके। अच्छा ये हो गया, अब हमारा डॉकर सेटअप हो चुका है, लेकिन आप लोगों को पता है कि डॉकर का जो यूजर होता है तो यूबंटू यूजर है, अब उससे अगर डॉकर PSE कमांड लिखूंगा तो आपको परमिशन डिनाइड कर देगा। आप लोगों को याद है ये सब चीज़, मैं यहाँ पर इस यूजर को डॉकर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा और फिर मुझे एक दफ़ा सेशन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और दोबारा इसी दोबारा सर्वर से कनेक्ट होऊंगा, तो अब मेरा जो यूबंटू यूजर है वो डॉकर की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, डॉकर PS। ये देखें यहाँ पर कोई क्योंकि इमेज नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है इसलिए। अच्छा एनीवेज, अब हमें डॉकर कंपोज सेटअप करना है, तो मैं सूडो की कमांड से जल्दी से इंस्टॉल करता हूँ डॉकर कंपोज।
था शायद कमांड, यही थी, यही कमांड है। तो ये डॉकर कंपोज सेटअप कर देगा एंड देन वी आर गुड टू गो। उसके बाद मेरे पास जो लोकली पड़ा हुआ था, मैंने अभी एक क्रिएट की थी, क्या नाम है फाइल यार, अभी मैंने जो क्रिएट की थी डॉकर कंपोज की फाइल, मैं उस तक पहुंचता हूँ। अंदर मैंने जेंकिंस की डायरेक्टरी बनाई थी और इसमें ये बनाई, कैट करते हैं डॉकर कंपोज को और इसी फाइल को पकड़ते हैं और क्रिएट कर लेते हैं अपने सर्वर में। ठीक है, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं mkdir जेंकिंस, इसके अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं vim docker compose .yaml, एंटर, इंसर्ट, पेस्ट, एंड हमें ये ना इस नाम की एक डायरेक्टरी यहाँ बनानी पड़ेगी। हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जो कि हम माउंट कर देंगे, mkdir this। अब हमारे पास एक्सपेक्टेडली, क्योंकि पोर्ट कोई रिजर्व नहीं है ऐसी, तो आपको मसला आना नहीं चाहिए, तो अब मैं लिखेंगे डॉकर कंपोज अप डैश जेंकिंस, क्योंकि पढ़ा नहीं हुआ। सबसे पहले वो जेंकिंस का वो इमेज डाउनलोड कर लेगा, जब वो पुल कर लेगा उसके बाद फिर वो आपका जेंकिंस सेटअप कर देगा और आपका डेटा इस डायरेक्टरी के साथ माउंट कर देगा जो मैंने अभी माउंट की थी। इट टेक्स अराउंड फ्यू मिनट्स और ये आपका सेटअप हो गया सारा कुछ। अब मैं जब लिखूंगा डॉकर पीएस तो ये जेंकिंस का कंटेनर चल रहा है। अब देखें एरर नहीं आया, वो पोर्ट रिजर्व नहीं थी, ओपन थी, सब कुछ ओके है। सॉरी, जेंकिंस को एक्सेस करना है अपने ब्राउजर के ऊपर, तो उसका तरीका क्या है, हमने इसको बनाया किस पे है, हम लोगों ने इसको जो क्रिएट किया है, कैट करता हूँ डॉकर कंपोज को, तो हमने इसको पोर्ट 8080 पे किया है। तो हम ब्राउजर में जाते हैं, इसका पब्लिक आईपी, इस मशीन का पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर डालते हैं और यहाँ लिखते हैं 8080 पर एंटर। अब आप लोग देखें और मुझे ये बताएं कि ये एक्सेस होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। एक बंदे ने कहा नहीं होगा, तो और कोई बंदा सपोर्ट ओपन नहीं किया। बिल्कुल, मैंने पोर्ट 8080 अपने AWS की फायरवॉल में ओपन ही नहीं की। इसकी अगर मैं सिक्योरिटी में जाऊं तो इस टाइम सिर्फ पोर्ट 22 अलाउ है, तो मैं इसके सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 8080 अलाउ करूंगा तो ये चल जाएगा। तो हम यहाँ जाते हैं इनबाउंड ट्रैफिक में जाके एक रूल डाल देते हैं और वो डालते हैं कस्टम पोर्ट 8080 फॉर एवरीवन एवरीवेयर सेफ। अब मैं जब इसको जाके रिफ्रेश करूंगा, स्टॉप एंड रिफ्रेश, तो ये पोर्ट 8080, तो ये फौरन से आके बाद जेंकिंस आ जाएगा। और ये चल किस पे रहा है, जेंकिंस चल रहा है हमारा डॉकर कंटेनर पे। अब बात आती है कि जेंकिंस जब भी कभी सेटअप आप पहली दफा करेंगे, वो आपसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड मांगेगा, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड तो हमने कहीं दिया ही नहीं, तो वो होगा कहाँ पर। जब मैं इस कंटेनर के लॉग्स में जाऊंगा, डॉकर कंटेनर लॉग्स के अंदर जाके इसको चेक करूंगा, तो यहाँ पर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए लिखा है, प्लीज यूज द फॉलोइंग पासवर्ड टू, ये इसका एक पासवर्ड है, मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको डाल दूंगा इधर। तो अब आपको वो जेंकिंस सेटअप करने देगा। जेंकिंस जब भी सेटअप होता है तो सबसे पहले कुछ बेसिक लेवल के प्लगइन्स हम इंस्टॉल करने का कहता है कि मैं कुछ इंस्टॉल कर लूं, या आपने खुद सेलेक्ट कर, तो हम उसके ऊपर छोड़ते हैं और कहते हैं भाई इंस्टॉल कर दो, तो यहाँ क्लिक कर देंगे, तो ये लेगा कुछ मिनट्स और ये कुछ बेसिक जो इसके लिए इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल कर। बड़ा सिंपल है जेंकिंस को सेटअप करना। अभी हम डॉकर पे चला रहे हैं जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, अदरवाइज तो जेंकिंस को लिखना है आपने सिंपल ऐप की, यानी कि जावा के कुछ पैकेजेस करने के बाद आपने ऐप की कमा। अच्छा, ये मजेदार चीज होती है ना कि डॉकर, देखें मैंने डॉकर का इमेज यूज किया, उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज थी हमें कहीं भी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी, वो पहले से उस इमेज में मौजूद है। जेंकिंस, जेंकिंस को जो इमेज हम यूज कर रहे हैं उस जेंकिंस के इमेज के अंदर वो पहले से मौजूद है, इसलिए हमें करनी नहीं पड़ी। अब मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड कुछ सेट करना है, मैं यहाँ कर देता हूँ उस्मान पासवर्ड कुछ सेटअप कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ एल्बिस्टेक, ये मैंने अपना ईमेल भी डाल दिया, सेव कर देता हूँ। ये वो आपसे पूछ रहा है कोई, अगर आपका यूआरएल, आपने कोई डीएनएस सेटअप किया तो यहाँ पे डीएनएस डाल दें ताकि वो आपको यहाँ से डीएनएस से भी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई नहीं है तो हम इसको सही रहने। और अब आपका जेंकिंस डैशबोर्ड आपके सामने आ गया।
ये है जेंकिंस का डैशबोर्ड, ये वो मेथड है जिससे हम लोग जब आप काम शुरू करेंगे तो ये सब कुछ आपका सिंपल वे में सारा कुछ सेटअप होगा, यानी कि कंसोल के थ्रू, जो मैं पहला कह रहा था सिंपल मेथड है, ये कंसोल है इसका। बाकी काम भी कंसोल से होता है, लेकिन वो काम हम कमांड लाइन यानी कि सॉरी स्क्रिप्ट्स में करते हैं और फिर उसको कंसोल में जाके डालते हैं स्क्रिप्ट्स को, तो आपका चल